जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि एओसी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन रिटर्न एग्जाम एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपके ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जिन्होंने एओसी ट्रेड्समैन एंड फायरमैन का जो रिटर्न जो फिजिकल था वो दिया था, तो उनके यहाँ पर अब एडमिट कार्ड रिटर्न के जारी हो चुके हैं। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे कहाँ से प्राप्त करने इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड अगर आपको अभी तक भी आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं रिटर्न एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और गाइज, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे। तो गाइज, यहां पर भी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रोटी ने, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी। आप यहां पर सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे और आपको यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद में आप लेटेस्ट न्यूज में 6 मई 2023 का अपडेट देख सकते हैं, जो कि यहां पर आपको बोला है कि कॉल लेटर फॉर रिटर्न एग्जाम फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि आपका यह वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर था, हैव बीन फॉरवर्डेड टू रैली फिट कैंडिडेट बाई ईमेल एंड एसएमएस। यानी कि जिन्होंने जो रैली आपकी हुई थी फिजिकल के लिए, जिन्होंने उसको क्वालिफाई कर लिया, जो कि वहां पर सक्सेसफुली आपके उनके फिजिकल को कंप्लीट कर पाए, उन्हीं को यहां पर ईमेल और मैसेज के माध्यम से एडमिट कार्ड सेंड किया है। अब गाइज, मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एसके बुक्स की है। और एसके बुक्स अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप इनकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने आपकी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक जारी कर दी है, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते। इसी के साथ में इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर परचेज कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 26 पेपर देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं, तो यह बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी सवाल, डाउट हो इस बुक को परचेज करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जाइए, इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्पीड दे दीजिए। रिटर्न एग्जाम फॉर बोथ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट विल बी अनाउंस ऑन 21 मई 2023 एट रेस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर। यानी कि 21 मई के अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से जगह पर आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली आपको उसकी डिटेल सेंड कर दी गई है। जो वेबसाइट है यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि जब आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आए थे तो वो भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हुए थे, वो भी ईमेल के माध्यम से ही भेजे गए थे। तो अभी भी आपके जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होंगे, वो आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल के माध्यम से सेंड किए गए हैं। तो गाइज, आप बताइएगा कि आपने क्या फिजिकल दिया था और क्या आपको मैसेज मिला है कि हाँ आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं रिटर्न एग्जाम के लिए या फिर नहीं हुए, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी के लिए उन्होंने यही कहा है कि रिटर्न एग्जाम फॉर बोथ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट विल बी कंडक्टेड ऑन 21 मई, यानी कि 21 मई के अंदर आपका ये होने वाला है। और ये आपका जो भी एग्जाम सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा, आपको उसके अंदर जानकारी मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और भी गहरी कर दीजिए और भी डीप ले जाइए, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको अब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो परमानेंट है और एक बार मिल गई तो फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाने हैं। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि आपने फिजिकल दिया था और आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। तो गाइज, ये थी जानकारी जो कि आपको देनी थी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।